राजस्थान के अमरनाथ परशुराम महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा सड़क मार्ग सुचारू करने की मांग। परशुराम महादेव गुफा मंदिर मेले को लेकर श्रावण मास लगते ही तैयारी शुरू कर दी। कोरोना के कारण 2 साल बाद अब ये मेला भरेगा। मेले की तैयारी को लेकर अहम बैठक की गई, जिसमें आने वाले मार्ग पर कई जगह खड्डे पड़े हैं, पत्थर गिरते हैं, बारिश की वजह से फिसलन हो जाती है, जिससे कई बार हादसे होने की आशंका रहती है। छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति दर्शन के लिए अब आते तो हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। पाली जिला और राजसमंद जिला में राजस्थान के अमरनाथ परशुराम महादेव का मंदिर पिछले कई सालों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ट्रस्ट के व्यवस्थापक ने अंबालाल गुर्जर ने आने वाले मार्ग को सुचारू रूप से बनाने के लिए पाली जिले के सांसद और राजसमंद जिले के सांसद से गुहार लगाई। नवभारत समाचार पाली राजस्थान से मुकेश सोनी की रिपोर्ट। के अमरनाथ के लगे हैं और यहाँ सावन भादवा मास में लाखों श्रद्धालु यहाँ पर मारवाड़ और मेवाड़ से पधारेंगे। दो जिलों के बीच में मंदिर परशुराम भगवान का बना है और इनके दोनों तरफ से मारवाड़ से जो रास्ता आ रहा है अमर गंगा से लेकर के परशुराम महादेव जो रास्ता की स्थिति बिगड़ चुकी है। इस बारिश से पूरे रास्ते अस्त व्यस्त हो चुके हैं। मैं सरकार से और सभी से निवेदन करना चाहूँगा, भगवान जी अमरनाथ का जो लाखों श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनके लिए इस रास्ते की कोई व्यवस्था और सही हो जाए तो बहुत सबसे बड़ी ये हमारे श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पाली जिले के सांसद और राजसमंद जिले के जो सांसद हैं, पाली जिले क्या निवेदन साहब और हमारे राजसमंद के जिले के सांसद साहब से दोनों से निवेदन करूंगा कि दोनों किसी भी तरह से हमारे इस रास्ते को बनाने की कोशिश करावे और हमारे यहाँ इस राजस्थान के अमरनाथ के भगवान के श्रद्धालुओं को आने जाने की व्यवस्था में कठिनाई न हो। लगभग यहाँ पे श्रावण मास के अंदर कितने श्रद्धालु आते हैं? लाखों की तादाद में लोग आते हैं, 10-10 घंटे लेनों में खड़े रहते हैं। जो अमर गंगा से लेकर 1.25 किलोमीटर की लेन है उसमें पूरी लेन लगी रहती है। एक दर्शनार्थी को यहाँ दर्शन करने में 8 लाख श्रावण मास का मेला श्रावण मास के मेले के अंदर